महाराष्ट्रात बहुजन समाजवादी पार्टीच्या वतीनं यापुढून निवडणुका स्वबळावर लढणार असे वक्तव्य राष्ट्रीय महासचिव खासदार वीर सिंग यांनी पैठण येथे केलंय. महाराष्ट्रात बहुजन समाज पार्टी आता मजबूत केली जाणार असून महाराष्ट्रात कोणत्याही निवडणुका यापुढे स्वबळावर लढणार असल्याचे बहुजन समाज पार्टीचे राष्ट्रीय महासचिव खासदार वीर सिंग यांनी पैठण येथे आयोजित कार्यक्रमात केले. पैठण तालुक्यामध्ये बहुजन समाज पार्टीच्या वतीनं जाहीर कार्यकर्ता मेळाव्याचे आयोजन करण्यात आले होते. या मेळाव्यामध्ये ते मार्गदर्शन करताना बोलत होते. भविष्य में जो नगर पालिका का चुनाव होने जा रहा है पैठण में, तो पैठण में नगर पालिका के चुनाव में बहुजन समाज पार्टी सभी सीटों पर अपने उम्मीदवार खड़ा करेगी और अपने अकेले दम पर लड़ेगी. किसी भी पार्टी से किसी भी तरह का कोई समझौता नहीं करेगी. और आज मैं बताना चाहता हूं कि पूरे देश में आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी के नेतृत्व में बहुजन समाज पार्टी बहुत तेजी से आगे बढ़ रही है. और महाराष्ट्र के अंदर भी मैं बताना चाहता हूँ कि महाराष्ट्र के अंदर आज बहुजन समाज पार्टी तीसरा विकल्प होकर के उभर रही है. क्यों उभर रही है? क्योंकि महाराष्ट्र में परम पूज्य डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब की मृत्यु के बाद में जिन नेताओं ने साहू फुले अम्बेडकर विचारधारा को आगे बढ़ाने की जिम्मेदारी अपने कंधों पर ली थी, वो सभी नेता आपस में लड़ गए, भिड़ गए. या कार्यक्रमाचे प्रास्ताविक दादाराव आणे यांनी केले. यावेळी प्रदेश महासचिव शरदचंद्र वानखेडे, प्रदेशाध्यक्ष विलास गरुड, गुड्डू चौधरी, शेख केबी, अनिल पटेकर, नाना पाचरने, मदन अव्हाड, लक्ष्मण गार्दे, विजय गवळी या मान्यवरांची प्रमुख उपस्थिती होती. कार्यक्रमाचे आभार मदन अव्हाड यांनी मानले. या कार्यक्रमाला बहुजन समाज पार्टीचे कार्यकर्ते आणि नागरिकांची मोठ्या संख्येने उपस्थिती होती.